हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष मिश्रा का रुख करते हुए सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब क्योंकि किसान वापस बॉर्डर पर लौट गए हैं और पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, कल तक जो उपद्रव हुआ है और जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया गया किसी खास संगठन का, खास समूह का, उसे लेकर किसानों की क्या राय है? क्या वो इससे सहमत है या वो इससे पूरी तरीके से अलग है? नेहा, दरअसल अगर वास्तविकता की बात करें तो अब तक कोई किसान नेता सामने आने को भी तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव ने पूरी घटना की निंदा कर दी कि हिंसा नहीं चाहते थे। राज्यपाल जो हैं वो अब तक गायब हैं। दर्शन पाल कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए अब तक किसान नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाय एट लार्ज जो सामने आया है वो ये कि हम ऐसी घटना नहीं चाहते थे। उसके बाद लखा सधाना का नाम योगेंद्र यादव ने ले लिया। दीप सिद्धू की जो तस्वीरें हैं, जानकारियां हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। बहरहाल जानकारी हमारे पास ये है कि 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर जो पहले पंजाब के किसान यूनियन है, जिसमें किसान संघर्ष मजदूर संघर्ष कमेटी भी है, शामिल है, वही कमेटी जिसने कल 8 बजे पहल की थी, शुरुआत की थी बैरिकेड हटा करके आगे कूच करने की, जबकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कॉल था कि हम 11 बजे तय समय पर जाएंगे, जैसे कि पुलिस से बातचीत हुई थी। लखा सिधाना दीप सिद्धू पर आरोप है कि ये चूंकि आगे गए थे इसी कमेटी में और जा करके सिंघू मुकरबा चौक के पास इन्होंने वहां सबसे पहले शुरुआत की और बैरिकेड हटा के वो रिंग रोड यानी बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए, रिंग रोड की ओर आगे बढ़ते चले गए। बहरहाल 12 बजे पंजाब किसान, ये जो पंजाब के यूनियन है इनकी बैठक है, 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। कई सारे सवाल ये पूछे गए हैं कि क्या उनकी ओर से भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उनका अगली कार्यवाही क्या होगी, आंदोलन का आगे रुख क्या होगा। बीती रात को ट्रैक्टरों की संख्या मैं आपको बताऊं नेहा, इतनी ज्यादा थी, हालांकि सारे अंदर नहीं घुस पाए, रिंग रोड नहीं गए, जो उसमें ज्यादातर ट्रैक्टर थे उन्होंने मुकरबा चौक के पहले से ही सिविल लाइंस बुराड़ी के आसपास से यूटर्न लेना शुरू कर दिया था। बावजूद रात के 11:30 तक मैं देखता रहा ये ट्रैक्टर लगातार सिंघू बॉर्डर जाते रहे। आज की सुबह वहां वैसी है जैसे बाकी 60 दिन थे, इसीलिए किसानों में जाहिर एक नाराजगी एक पक्ष ये भी है, लेकिन आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं यूनियन, क्या उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है, क्या इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, या फिर इन नेताओं का आंदोलन पर अब कंट्रोल नहीं है, ये सवाल कल की घटना के बाद उठने लगे हैं। बहरहाल हमारी नजर आज होने वाली बैठक पर। आपके पास ट्रैक्टर परेड की जिद करने वाले किसान नेता कल हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते हुए साफ दिखाई दे रहे। सरकार अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। कल जो हुआ क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी आप कितनी लेते? मैं तो सारे ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लूंगा, सारों को लेता हूं मैं। बताओ क्या हुआ? पुलिस ने नहीं देखा क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं देखा हूं, मैं जब ही तो जिम्मेदारी ले रहा, पूरे ट्रैक्टरों की, पूरे किसानों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे कहने से आए हुए। लेकिन क्या हुआ, क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट, उनको जो रूट पुलिस ने दिया, जो दिया, क्या रूट दिया कोई क्लियर करा? जहां पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा वो झंडा किसने लगाया लाल किले में?